हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हो आप सब? आई होप यू ऑल आर डूइंग गुड। तो गाइज, आप देख सकते हो इस टाइम ये कहीं और का है, यहाँ पे कुछ रस्म रिवाज हो रही है। तो मैं बता दूँ आप लोग को, मैं आई हूँ इस टाइम मायके, और यहाँ पे चल रही है शादी की पहली रस्म, तो जो होती है बढ़िया बनाने की रस्म। इसमें ना बहुत सारे लेडीज मिलकर एक साथ आती हैं और बढ़िया बनाती हैं सारी लेडीज मिलकर। और हम यहाँ पे बहुत मस्ती कर रहे थे, क्लिक करवा रहे थे। इस तरह से जो रस्म होती है, एक पापड़ी बेलने की होती है, वही हम उसी से बेलन से दिखा के मस्ती कर रहे थे, फोटो क्लिक करवा रहे थे। और ये जो रस्म है ना, काफ़ी पुरानी रस्म है, हमारे गांव में बहुत पुराने, मतलब बहुत दिनों से चली आ रही है। जब भी किसी की शादी होती है उसमें पहली रस्म यही होती है। और अब देख सकते हो साथ साथ हम लोग फ़ोटो भी क्लिक करवा रहे हैं, ग्रुप में सब क्लिक करवा रहे हैं, सिंगल फ़ोटो क्लिक करवा रहे हैं यहाँ पर। और काफ़ी ज़्यादा मस्ती भी हो रही थी, आप देख सकते हो। इस तरह से हमने फ़ोटो भी क्लिक करवाई और अपनी रस्मों को भी हमने सारी ग्रुप में फ़ोटो क्लिक करवाई, एक एक करके सब लोग मिलके एक दूसरे को वो जो लिक्विड थी वो लगा भी रहे थे, और इस तरह से फ़ोटो भी क्लिक करवा रहे थे हम एक दूसरे को। उसके बाद इस तरह से जब सारी बढ़िया बन जाती हैं और पापड़ी हो जाती है ना, तो ये रस्म ख़त्म हो जाती है। उसका सेम डे ही रस्म थी, क्योंकि दो दिन की शादी है, तो दो दिन की शादी में ही सारी रस्म रिवाजों को पूरी करनी है। तो उसके बाद एक दूसरी रस्म होती है, दूल्हे की बहन को कलसी बनानी पड़ती है, जिसमें जो गांव खेतों वाली मिट्टी होती है ना, चिकनी मिट्टी, उसी से उसको बनानी होती है। तो यहाँ पे पहले से मिट्टी मंगवा के रख दी गई थी, और उसी को मैं पानी से मिट्टी को गूँथ करके उसके बाद एक कलसी बनती है, जिसका यूज मंडप पे कलश रखने के लिए होता है। और ये रस्म जो है लड़की की बहन के द्वारा होता है, तो मैं ही थी लड़के की बहन, और उसी तो मैं ही ये रस्म को कर रही थी। और यहाँ पे आप देख सकते हो कि मैं मिट्टी को गूँथ रही हूँ अच्छे से, ताकि वो जो बन जाए उसके कलसी रखने वाला स्टैंड, वो ताकि टूटे नहीं फूटे नहीं और वो अच्छे से तैयार हो जाए। और यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा मस्ती भी हो रही थी, सब लोग मजाक कर रहे थे और हंस रहे थे, और काफ़ी ज़्यादा गाने वाने भी लोग गा रहे थे। इधर तो लोग हमारे यहाँ तो शादियों में बहुत सारे गाने वगैरह चलते हैं, और मतलब शादी के जो प्रॉपर शादी के जो गाने होते हैं वो चलते हैं, जो सारी औरतें मिल के गाती है, तो वो भी हो रहा था, इसलिए मैं हंस भी रही थी। तो गाइज, ये जो रस्म होती है ना, ये लड़के की मैरिड सिस्टर करती हैं, ये सारी रस्मों को निभाती हैं। जो अनमैरिड होती है उनके लिए ये रस्म नहीं बनी होती है, मैरिड सिस्टर ये रस्म करती है। और हाँ, इस रस्म को करने के बदले ना, दूल्हे लड़की को मतलब जो भी बहन करती है उसे गिफ्ट दिया जाता है, मतलब हमारे यहाँ उसे नेक बोलते हैं, जो भी बहन रस्म करती है ना उसे नेक दिया जाता है। और ये नेक में जो है थोड़ा सा चावल, कुछ पैसे और एक सिंदूर होती है, एक थाली में दी जाती है। तो इस तरह से ये रस्म निभाई जाती है। तो आप देख सकते हो कि इसमें मेरी मम्मा ने भी मुझे नेक के रूप में एक थाली में करके चावल, एक सिंदूर और कुछ पैसे दिए हैं। तो इस तरह से दिया, फिर हमने फ़ोटो क्लिक करवाई इस तरह से नेक लेते हुए। और इस तरह से मेरी कलसी बनाने का जो रिवाज था वो ख़त्म हो गया। इस तरह से मैंने कलसी बना ली और फिर उसी दिन
फिर सेम डे ही हमने थोड़ा सा मेहंदी का प्रोग्राम रखा था, एक छोटा मोटा सा फंक्शन रखा था, कोई मतलब कि बहुत ग्रैंड तौर पे नहीं, घर के ही दो चार लोग थे। फिर दो चार लोगों ने मिलके मेहंदी, हमने सेम डे ही मेहंदी लगवाई, और मेहंदी लगा करके फिर लड़के को भी लगाई, हमने खुद भी लगाई। फिर मेहंदी लगा के हमने थोड़ा सा डांस वांस किया, थोड़ा सा इंजॉय किया सेम डे ही। और इस तरह से हम घर के बड़े जो है मेरे भाई को तिलक लगा रहे हैं, उसके बाद हम शगुन के तौर पर उसकी हथेली पे मेहंदी लगाते हैं, और फिर उसे अच्छे से मेहंदी लगती, फिर हम डांस वांस शुरू करते हैं। तो गाइस इस तरह से हमने इंजॉय करते हुए मेहंदी का फंक्शन को कंप्लीट किया। फिर भाई के हाथों में मेहंदी लगाई, और हमने फिर इस तरह से हमारा मेहंदी का फंक्शन ख़त्म हुआ। बहुत ही काफ़ी छोटा सा प्रोग्राम था, कोई बहुत ज़्यादा तामझाम नहीं था। ये रही भाई के हाथों की मेहंदी, ऐसी ही डिज़ाइन इसके हाथों में हमने बनाई थी। और फिर हम उसी दिन फिर गए मतलब मंदिर, हमारे यहाँ एक रस्म होती है मंदिर जाते हैं, जिसे हम लोग बोलते हैं
बोलते हैं, फिर उसके बाद ढोल बाजे वाले आए थे मंदिर जाने के लिए, फिर हमने बहुत सारे लोगों ने मिलकर मंदिर गए। तो इस तरह से हमने फंक्शन को एंजॉय किया और हमने बहुत मस्ती की। आगे का मैं बाकी सारे फंक्शन जो है वो मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में दिखाऊंगी। वीडियो बहुत ज़्यादा लेंथी हो चुकी है, तो आपको कैसा लगा मेरा आज का वीडियो ज़रूर कमेंट करके बताइएगा। तो चलिए, आपको मिलती हूँ मैं अपने नेक्स्ट वीडियो में। ओके, लव यू ऑल, बाय बाय।